हे एवरीवन, दिस इज प्रिया धमीजा हेयर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स रूम। तो गाइज, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ये मैं अपने टॉपिक बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिजनेस लॉ का उनको सब्जेक्ट है। तो मैं ये बता दूँ, जो एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉमर्स में, तो उनको भी ये टॉपिक आता है एचआरएम में, तो ये उनको भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत हेल्प करे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के एक आधी बार क्वेश्चन आ जाते हैं बीच में से, एचआरएम के टॉपिक में ही आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट है सबसे, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लेसन अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लेसन को लाइक जरूर कर दीजिए और लेसन को शेयर कर दीजिए, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं, हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो ये बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, जैसा कि मैंने उनको बताया, बिजनेस लॉ में है उनको टॉपिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। तो डिस्प्यूट क्या है, व्हाट इज डिस्प्यूट? डिस्प्यूट डिसएग्रीमेंट है जब दो लोगों के ओपिनियंस नहीं मैच करते हैं, वो दोनों एक पॉइंट के ऊपर नहीं एग्री करते हैं, तो उनमें डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, डिसएग्रीमेंट है ना। तो डिस्प्यूट का मतलब डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है जो एक पॉइंट के ऊपर एग्री नहीं करते हैं, तो उनमें डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। तो सिंपल अगर हम समझे कि डिस्प्यूट क्या है, तो डिस्प्यूट डिफरेंसेस हो सकते हैं बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज के बीच में भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सेक्शन 2 सबसेक्शन के, तो डिस्प्यूट है जो डिफरेंसेस हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस, जब दोनों के पॉइंट्स है जो एग्री नहीं करते हैं, मैच नहीं करते हैं, उनके जो व्यूज पॉइंट है या उनकी जो ओपिनियन है वो एग्री नहीं कर रही है, तो वहां पे डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। तो डिस्प्यूट है बिटवीन द एम्प्लॉई एम्प्लॉयर भी हो सकती है, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज के बीच में डिस्प्यूट है, वो हो सकता है कि वो एम्प्लॉयमेंट को ना लेके, उनके काम को ना लेके, उनके कुछ पर्सनल इश्यूज हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एक डिस्प्यूट का रूप ले लेती है, तो उनमें भी डिस्प्यूट हो सकता है। ये जो डिस्प्यूट है ये कनेक्टेड टू द एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, नॉन एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग कंडीशंस भी हो सकती है। तो डिस्प्यूट मीन्स डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में भी डिफाइंड एज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या हो सकती है, कंफ्लिक्ट और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर ऑन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो वर्क, जो एम्प्लॉयर है, जो मैनेजमेंट है, जो भी उन्होंने टर्म्स रखे हैं एम्प्लॉयमेंट के, वो है जो वर्कर्स उसके लिए एग्री नहीं कर रहे हैं, वर्कर्स उसके लिए अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो वहां पे उनके जो कंफ्लिक्ट अराइज हो जाता है, डिफरेंसेस हो गए उनके ओपिनियन में, तो वहां पे वो जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट है वो उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो आपको बता दूं, जो कॉजेज है डिस्प्यूट के, वो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, इवन छोटी से छोटा पॉइंट भी आपका डिस्प्यूट का कॉज हो सकता है। तो उससे पहले समझ लेते हैं कि जब डिस्प्यूट होती है तो वो कैसे होती है। तो डिस्प्यूट जो होती है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है, एक तरफ से वर्कर्स हैं फिजिकली, तो वर्कर्स हैं जो अपने एम्प्लॉयर को कुछ नहीं कहने वाले ना, मारकुटाई तो यहाँ नहीं करनी है। तो जो डिस्प्यूट है खाली ओपिनियन, उनके जब डिसएग्री होते हैं, वो मैच नहीं करते हैं, तो वो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हो जाती है, वो स्ट्राइक का रूप ले लेती है। तो जो हम कह सकते हैं हमारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, उसके दो फॉर्म्स निकल के आ जाते हैं। अगर जो है डिसएग्रीमेंट है बाय द वर्कर्स है, वर्कर्स के द्वारा है, तो वो स्ट्राइक करते हैं। तो अगर जो डिसएग्रीमेंट है वो मैनेजमेंट के द्वारा है, एम्प्लॉयर के द्वारा है, तो वो क्या कर देते हैं, अपना अपनी ओर से वो स्ट्राइक नहीं करते हैं, तो वो लॉकआउट्स कर देते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइक क्या होता है, स्ट्राइक जब बहुत सारे वर्कर्स इकट्ठे होकर कॉमन एक्शन के लिए, कॉमन एक्शन लेते हैं अपने राइट्स के लिए, अपनी वॉइस को ऑर्गेनाइजेशन में वॉइस को उठाने के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए, उनके ऊपर अपना जो इंटरेस्ट है उसको बचाने के लिए, अपनी
प्रोटेक्शन करने के लिए, राइट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए क्या कर देते हैं, स्ट्राइक करते हैं। अगर मैनेजमेंट डिसएग्री कर रही है, मैनेजमेंट ने अपनी बात मनवानी है वर्कर से, तो वो क्या कर देते हैं, लॉकआउट्स कर देते हैं। मीन्स टू से टेम्परेरी वर्कर्स को, टेम्परेरी फैक्ट्री के गेट को लॉक कर दिया जाता है ताकि जो वर्कर्स है वो अंदर ना आ सके, उनसे काम हमने नहीं करवाना होता है। और जब वो मैनेजमेंट की बातें मान लेते हैं तब वो फिर उनकी जो है डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाता है। तो जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक मतलब कि जब बहुत सारे वर्कर्स इकट्ठे होके क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद वो सारे एक ही डायरेक्शन में जाते हैं अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, स्ट्राइक करते हैं। तो स्ट्राइक काफी तरह की हो सकती है, लाइक गो स्लो टैक्टिक्स, टोकन स्ट्राइक, सिंपथेटिक स्ट्राइक्स, पेन डाउन स्ट्राइक्स, हंगर स्ट्राइक, बंस, गेरॉज एंड लॉकआउट्स। लॉकआउट्स है ध्यान रखना, ये एम्प्लॉयर के द्वारा होता है, ये एम्प्लॉयज के द्वारा नहीं होता है, ठीक है, लॉकआउट्स। चलिए आगे बात करते हैं आउटकम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। आपको बता ही दिया कि जो भी आउटपुट्स आते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए भी नहीं सही हो सकते हैं, इनफैक्ट एम्प्लॉयज के लिए भी सही नहीं है। क्योंकि जब भी वो कुछ भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होती है तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो रेगुलर नहीं हो पाते हैं, तो अपने काम को लेके सारी की सारी सिस्टम है जो वो स्लो हो जाती है। तो जो कॉन्सिक्वेंसेज है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, हैज ज्यूरियस टू द एम्प्लॉयर, इम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एंड द इकॉनमी। हाउ एवर इट इज टेकन एज अ यूजफुल टूल बाय द वर्कर। वर्कर के पास और कुछ भी नहीं होता अपनी अपनी वॉइस को रेज करने के लिए, अपनी आवाज को उठाने के लिए, एंड पुट अप देयर डिमांड्स इन द फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट और द एम्प्लॉयर। वो अपने डिमांड्स को बाय द स्ट्राइक ही, वर्कर्स हैं जो अपने स्ट्राइक के रूप में ही मैनेजमेंट के सामने अपनी बातों को, अपनी डिमांड्स को रख सकते हैं और अपनी डिमांड्स को पूरा करवा सकते हैं। तो जो स्ट्राइक्स हैं एम्पावर्स हैं द लेबर एंड प्रोटेक्ट्स देयर राइट्स ऑफ स्पीच इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक के पास, हर एक वर्कर के पास राइट होता है बोलने का ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्ट्राइक के हेल्प के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी आवाज को उठा सकते हैं, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्राइक क्या होता है, स्ट्राइक इज अ एक्शन व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूज टू प्रेशर द गवर्नमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज द पॉलिसी। जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होके प्रेशराइज करते हैं। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो सोसाइटी को, वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है तो लोग इकट्ठे होकर स्ट्राइक करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एम्प्लॉयर की कोई पॉलिसी है वो वर्कर्स को अच्छी नहीं लग रही है तो वो इकट्ठे होके एक अपनी यूनियन बना के उनको, ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयर को प्रेशराइज करते हैं सो दैट कि वो अपनी पॉलिसी को चेंज कर दे। तो ये एक बहुत ही पावरफुल वेपन है अपने डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए ट्रेड यूनियन के पास, तो ये उनकी स्ट्रेंथ ही होती है। तो जो स्ट्राइक्स होती हैं, स्ट्राइक मीन्स द सेशंस ऑफ द वर्क बाय द ग्रुप ऑफ वर्कर्स फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयर टू एक्सेप्ट देयर डिमांड। तो वो सारे के सारे क्या करते हैं, एक ही दम, एक सारे के सारे वर्कर्स एक ही बार काम को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर का काफी नुकसान हो जाता है और उनको उनकी बातें माननी पड़ती हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमारे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है उसके आउटकम्स क्या क्या हैं। तो उसके आउटकम्स हैं आपके पास, पहला है स्ट्राइक जो कि एम्प्लॉयज के पास होती है, दूसरा है लॉकआउट जो कि एम्प्लॉयर के पास होती है। स्ट्राइक्स को दो तीन कैटेगरी में बांटा गया है, पहला हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी और तीसरा हो गया अदर्स। तो जो प्राइमरी है, डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या है, जो इम्प्लॉयज होते हैं वो इम्प्लॉयर के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। मतलब एक्शन लेने का मतलब डायरेक्टली उनको ही अपनी डिमांड्स के बारे में बताते हैं और उनको प्रेशराइज करते हैं सो दैट कि उनकी डिमांड्स को मान लिया जाए, पूरा किया जाए। और जो सेकेंडरी होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जिसके साथ एम्प्लॉयर के अच्छे ट्रेड रिलेशन होते हैं, ये थर्ड पर्सन के पास चले जाते हैं, थर्ड पर्सन को अपनी सारी स्टोरी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। एंड देन उससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है उसको ये थोड़ा सा रिस्क होता है कि उसके रिलेशंस किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ खराब ना हो जाए, तो उनके उनको उनकी बातें जो वो माननी पड़ती है। तो प्राइमरी में डायरेक्टली वो एम्प्लॉयर के पास जाते हैं
और सेकेंडरी में वो डायरेक्टली नहीं जाते एम्प्लॉयर के पास, थर्ड पर्सन के पास जाते हैं। उसके अलावा कुछ अदर स्ट्राइक्स हो जाती हैं, तो स्ट्राइक के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो प्राइमरी डायरेक्टली प्रोजेक्टेड अगेंस्ट द एम्प्लॉयर आर कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्राइक्स। तो उसमें सबसे पहले आ जाते हैं गेराउस। गेराउस में क्या होता है, फिजिकली इनसर्कल कर लिया जाता है मैनेजर को बाय द वर्कमैन टू क्रिएट अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया। एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है सो दैट कि उसमें जो मैनेजर है वो बाहर ना जा सके और जो बाहर है वो अंदर ना आ सके। तो इसमें जो है टारगेट किया जाता है मैनेजर को ह्यूमिलिएट करने का, ताकि वो उनकी बातों को मान ले, ठीक है। उनके लिए एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास पिक टिकिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपने ये देखी होगी साइन बोर्ड्स, प्ले कार्ड्स, बैनर्स वगैरह वर्कर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं पब्लिक के सामने, डिस्प्यूट इन द फ्रंट ऑफ पब्लिक, पब्लिक के सामने आ जाती है। और इसमें मैक्सिमम वर्कर्स हैं जो वो स्ट्राइक में इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो है यूनियन मेंबर्स ये फैक्ट्री गेट पे होते हैं ताकि ये दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर सके। तो थर्ड हमारे पास आ जाती है बायकॉट। एज अ नेम सजेस्टेड ये क्या करते हैं, बिजनेस ऑपरेशन को रोक देते हैं और दूसरों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बिजनेस के काम ना करके उनके साथ स्ट्राइक में कॉन्ट्रीब्यूट करें, मैनेजमेंट को कॉपरेट ना करें, उनको कॉपरेट करें। नेक्स्ट है स्टे अवे स्ट्राइक। तो ये जो है ये वर्क प्लेस के पास नहीं होती है, ये बाहर होती है। कुछ डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, मार्च किया जाता है, रैलीज वगैरह निकाली जाती है सो दैट कि लोगों को पता चले और एम्प्लॉयर है जल्दी उनकी डिमांड्स को पूरा कर दे। पैन डाउन स्ट्राइक, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टूल्स को ही रख देते हैं डाउन, मतलब नेम सजेस्टेड है, टूल्स को ही यूज नहीं करते, मतलब कि वो कोई काम ही नहीं करते। वर्क प्लेस पे आते जरूर है डेली बेसिस पे, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, ऐसे फ्री बैठ के चले जाते हैं और काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट वेयर द वर्कमैन स्टॉप देयर वर्किंग फॉर अ डिफाइंड पीरियड। डिफाइंड पीरियड इन द सेंस कि वो 24 आवर्स के लिए काम को रोक दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन है इससे वो हैम्पर होगी। जितना मतलब कि वो प्रोडक्शन के बारे में सोचेंगे कि हमारी प्रोडक्शन रुक रही है, ऑर्डर्स टाइम पे नहीं कंप्लीट होंगे, तो उतनी जल्दी ही जो मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉयर है, वो आपकी बातों को, एम्प्लॉयज की बातों को मान लेते हैं। तो ये टेम्परेली पर्पज के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास लाइटनिंग स्ट्राइक। इसमें क्या होता है कि जो हमारे वर्कमैन होते हैं कॉल ऑफ फॉर द वर्क इमिडिएटली विदाउट एनी पीरियड नोटिस। ये कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करते, कोई वार्निंग नहीं देते मैनेजमेंट को, सीधा ही मतलब कि काम को छोड़ देते, काम नहीं करते हैं। तो इसको कैट कॉल स्ट्राइक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गो स्लो स्ट्राइक। तो ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। गो स्लो मतलब कि इससे क्या, इसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो मैनेजमेंट को बताते ही नहीं है कि वो स्ट्राइक पे है। वो जानबूझ के सीक्रेटली प्लान कर लेते हैं प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए, उसको एम्पर करने के लिए। तो इसमें मैनेजमेंट कुछ कर ही नहीं पाती है, क्योंकि उनको तो यही लगता है कि उनको ये दिखाया जाता है वर्कर्स के द्वारा कि वो तो अपना काम कर रहे हैं। They pretended to be highly committed towards their job. वो काम कर रहे होते हैं लेकिन जानबूझ के धीरे धीरे कर रहे होते हैं। तो ये होती है हमारी go slow strike. Next आ जाती है work to rule. ये जो strike होती है, जो employees होते हैं strictly अपने वही वाले काम को follow करते हैं, सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना agreement में बताया जाता है, जितना आपको पहले बताया जाता है, कोई भी additional task है जो नहीं करते हैं। Stops performing any additional task other than what is mentioned in their agreement. Okay. Next जाती है hunger strike. ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब popular है, सबने देखी होगी। हर कोई मतलब कोई भी मतलब सिर्फ workers की अगर हम बात ना करें, कोई भी person है बात बनवाने के लिए भूख हड़ताल पे चले जाते हैं, पानी वगैरह नहीं पीते हैं। तो hunger strike है बहुत ज़्यादा most common है, common strike है, भूख पे चले जाना, भूख हड़ताल पे चले जाना। तो यहाँ पे जो हमारे वर्कमैन होते हैं गो ऑन फास्टिंग फॉर एन इनडिफाइंड पीरियड, उनके पीरियड
का कोई डिफाइंड टाइम नहीं होता, जब तक मैनेजमेंट उनकी बातों को मान नहीं लेती है तब तक वो अपनी स्ट्राइक को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्राइक करते हैं वो फैक्ट्री के पास भी कर सकते हैं, वर्क प्लेस के पास भी कर सकते हैं, और एम्प्लॉयर के घर के बाहर भी कर सकते हैं अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सेकेंडरी टाइप ऑफ स्ट्राइक। जो पहले हमने करी है प्राइमरी स्ट्राइक, वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर को किया जाता है, दिखाया जाता है, तो एम्प्लॉयर को टारगेट किया जाता है। यहाँ पे जो है सेकेंडरी स्ट्राइक है, ये सिंपथी स्ट्राइक है। एज अ नेम सजेस्टेड, सिंपथी पाने के लिए जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो थर्ड पर्सन के पास चले जाते हैं। वो थर्ड पर्सन कौन है? वो थर्ड पर्सन वो है जिसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे रिलेशंस हैं, ताकि इनडायरेक्टली जो फर्म है उनको लॉस हो जाए, एम्प्लॉयर को लॉस हो जाए। और कौन एम्प्लॉयर अपना लॉस चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। तो वो क्या करते हैं फिर, थर्ड पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। थर्ड पार्टी ने नहीं बोला, एम्प्लॉयर पहले ही उनकी उनकी एम्प्लॉयज की बातों को मान लेते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्राइक कौन सी होती है? जो कि अप्लाइड अगेंस्ट द थर्ड पर्सन हैविंग द साउंड ट्रेड रिलेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अदर स्ट्राइक्स, जो कि है जिसमें पहले जनरल स्ट्राइक, पॉलिटिकल स्ट्राइक आ जाती है, पर्टिकुलर स्ट्राइक एंड द बंद बंद बना दिए जाते हैं। जनरल स्ट्राइक है, मास लेवल पे कंडक्ट की जाती है। जनरल एज अ नेम सुजेस्टेड, नेम से कई बार टॉपिक क्लियर हो जाता है हमें, मास लेवल पे होती है इन द होल कंट्री और अ स्टेट और अ सिटी। ये किसी पर्टिकुलर स्टेट और सिटी की भी बात हो सकती है। तो इनसाइड ऑफ जस्ट अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स है वो नहीं इफेक्ट होने वाले हैं, बड़े लेवल पे मास लेवल पे लोग इफेक्ट होने वाले हैं। जैसे इंक्रीज इन द पे, यहाँ पे इंक्रीमेंट है जो होने ही चाहिए। तो जो भी टर्म्स हैं अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, तो ये उसके लिए स्ट्राइक की जाती है। देन पॉलिटिकल स्ट्राइक, कोई भी ऐसा लॉ बना, कोई भी ऐसा एक्ट बना गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, या कुछ उसमें चेंजेस की गई जो कि वर्कर्स ने अनएक्सेप्ट कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो अपनी बात को मनवाने के लिए पॉलिटिकल स्ट्राइक करते ऑन द मैसिव लेवल। अनएक्सेप्टेड होता है तो मींस वहां पे डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, फिर अपनी बातों को मनवाने के लिए वो स्ट्राइक करते हैं। अनएक्सेप्टेड एक तरफ का क्या हो गया, स्ट्राइक ही हो गया उनका। पर्टिकुलर स्ट्राइक एज अ नेम सुजेस्टेड, किसी स्पेसिफिक इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। पर्सन विद इन द सिटी हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कंट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड द बंद क्या होता है? बंद जो स्ट्राइक होती है ये अडॉप्ट किया जाता है बिटवीन द कंट्रीज लाइक नेपाल एंड इंडिया, वेयर द स्पेसिफिक कम्युनिटी कम्युनिटी करती है। पॉलिटिकल पार्टीज भी बीच में इन्वॉल्व हो सकती है फॉर द जनरल स्ट्राइक अक्रॉस द सिटी और अ स्टेट और अ कंट्री, ठीक है। तो ये एक तरह की सिविल डिसऑबिडेंस हो जाता है यहाँ पे। इस जो ये जो टाइप ऑफ स्ट्राइक है, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती है। यहाँ पे जो है पत्थरबाजी भी हो जाती है, किसी के ऊपर अटैक भी किया जाता है। तो ये होती है आपकी बंद स्ट्राइक, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास लॉकआउट। लॉकआउट होते हैं जो कि एम्प्लॉयर के हाथ में होता है। एम्प्लॉयर डिस्प्यूट अराइज हुआ तो जरूरी नहीं है कि हर बार एम्प्लॉयर सही होगा और एम्प्लॉयज गलत होंगे, या एम्प्लॉयज सही होंगे और एम्प्लॉयर ही गलत होगा। तो दोनों में से जब भी कोई डिसएग्री करता है तो वो किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है। अगर एम्प्लॉयर है जो वो डिसएग्री कर रहे हैं एम्प्लॉयज की टर्म्स के साथ, तो वो लॉकआउट कर सकता है अपनी बात मनवाने के लिए। एम्प्लॉयज के हाथ में स्ट्राइक है, एम्प्लॉयर्स के हाथ में लॉकआउट है। तो ये जो है एक तरह का डिस्प्यूट रेज होता है बाय द एम्प्लॉयर टू इम्पोज द स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन ऑन द वर्कर। जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो वर्कर्स के ऊपर लगाना चाहते हैं। तो ये जो है डिफरेंट है फ्रॉम द ले ऑफ एंड द रिट्रेंचमेंट एंड द टर्मिनेशन और द प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयज। तो ले ऑफ एंड द रिट्रेंचमेंट से ये डिफरेंट है। ले ऑफ में और रिट्रेंचमेंट में एक तरह का क्या हो जाता है कि परमानेंटली या टेम्परेरी पर्पज के लिए, सीजनल चेंजेस के कारण एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है उनके साथ एग्रीमेंट वगैरह को रिट्रेंचमेंट वगैरह में। लेकिन लॉकआउट्स है जो वो होते ही टेम्परेरी है। जो ले ऑफ है वो टेम्परेरी भी हो सकते हैं, वो परमानेंटली भी हो सकते हैं।
तो ये जो हमारे लॉकआउट्स है वो टेम्परेली होते हैं, टेम्परेली क्लोज डाउन द वर्क प्लेस एंड स्टॉप द वर्क एंड टेक एक्शन लाइक सस्पेंडिंग द वर्कर टू फोर्स देम टू फॉलो द न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। तो उनको फोर्स किया जाता है कि वो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करे, अगर वो नहीं करेंगे तो उनको फैक्ट्री में आने की परमिशन नहीं मिलेगी, तो फिर उनके लिए फैक्ट्री बंद है। तो अगर मानेंगे तो सारे के सारे मानेंगे ना, तो उनका जो लीडर है जो ट्रेड यूनियन में है, तो ट्रेड यूनियन का जो हेड है अगर वो मान गया तो फिर बाकी सबको भी मानना पड़ेगा। ये जो लॉकआउट है ये इम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो बाकी का हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करते हैं। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो बोर ना हो जाओ तो मैं आपको बाकी का नेक्स्ट लेसन में कवर करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।